साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, बहुत से विद्यार्थी हमारे YouTube चैनल पे कमेंट करते हैं और क्वेश्चन करते हैं, तो मैं उनका आंसर जरूर देता हूं। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है डी फार्मा, बी फार्मा या मेडिसिन से रिलेटेड आप क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। साथियों, एक विद्यार्थी ने जो है हमसे पूछा, डी फार्मा ट्रेनिंग में क्या इंजेक्शन लगाना और ड्रिप लगाना सिखाया जाएगा? कहने का मतलब है, विद्यार्थी के अंदर एक्साइटमेंट है डी फार्मा या बी फार्मा कर रहा है, वो ये जानना चाह रहा है कि डी फार्मा में इंजेक्शन और ड्रिप लगाना सिखाया जाता है, ताकि कोई घर में कभी भी कुछ होता है ताकि कुछ काम कर पाऊँ। कहने का मतलब विद्यार्थी ये कह रहा है कि घर में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे वीगो लगाना है, आईवी सेट लगाना है, ड्रिप चढ़ानी है, तो इंजेक्शन लगाना है, तो क्या मैं कर सकता हूँ? साथियों, मैं एक चीज़ बताऊँगा कि सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, मैं एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूँ, और जो भी विद्यार्थी डिप्लोमा इन फार्मेसी और बी फार्मा हॉस्पिटल, अरे कॉलेज और इंस्टीट्यूट से कंप्लीट करके हॉस्पिटल की जो ट्रेनिंग करते हैं, मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों, जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन लगाने का जो CSC PSC 100 बेड हॉस्पिटल है, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, और जो सरकारी अस्पताल हैं, जैसे मान लो मेरा अस्पताल है संयुक्त चिकित्सालय, उसमें साथियों क्या होता है कि इंजेक्शन लगाने का काम जो है, जो भर्ती नहीं है OPD से अगर उसको इंजेक्शन लिखा गया, जैसे मान लो किसी को कुत्ते ने काट लिया, डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर डायग्नोस करेगा कहाँ पे काटा है, कब काटा है, उसके बाद क्या होगा साथियों, डॉक्टर उसको जो है इंजेक्शन के लिए रिकमेंड करेंगे कि आप इंजेक्शन रूम जाके इंजेक्शन लगाओ। इंजेक्शन रूम हमेशा फार्मासिस्ट ही इंचार्ज होता है और फार्मासिस्ट ही इंजेक्शन लगाता है। तो साथियों, इस बात को क्लियर करने के लिए मैंने बता दिया है, चाहे टिटनस का इंजेक्शन हो, किसी को कुछ लग गया है तो उससे क्या होता है, डॉक्टर रिकमेंड करेंगे कि टिटनस का इंजेक्शन लगा दो, किसी को चोट लग गई है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, वो इंजेक्शन रूम जाएगा। अगर डॉक्टर ने रिकमेंड किया है डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन या ट्रामाडॉल इंजेक्शन, तो इंजेक्शन रूम जाके लगाना है। साथियों, उसी के साथ साथ क्या होता है कि कहने का मतलब ये है कि आपकी क्लियर हो गई वो चीज़, इंजेक्शन लगाना फार्मासिस्ट का ही काम है, ये हमारी विधा में है, हमें पढ़ाया जाता है कि इंजेक्शन भी हमें लगाना है, दवाई के रखरखाव से लेकर दवाई की मतलब मैन्युफैक्चरिंग से लेकर दवा मरीज तक को देने का और मरीज को डोज तक की बताने का काम हमारा ही है साथियों। तो उसी तरह से साथियों, दूसरी एक पॉइंट साथियों इनका ये है कि ड्रिप लगाना। तो साथियों क्या होता है, इमरजेंसी सेवाएं जो होती हैं हॉस्पिटल में होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, महिला हॉस्पिटल है, और 100 बेड हॉस्पिटल है, CSC है, PSC है, उसमें इमरजेंसी में कोई मरीज आता है तो डॉक्टर के साथ हमेशा फार्मासिस्ट की जो है ड्यूटी होती है, और उसमें जो प्राइमरी ट्रीटमेंट देने का काम है वो फार्मासिस्ट का है। उसमें इंजेक्शन लगाना है या वीगो लगाना है या IV सेट लगाना है, कोई सलाइन लगाना है, या जिससे डिहाइड्रेशन से कोई मरीज मान लो आया है तो उसको मेट्रो लगानी है, उसके बाद जो है DNS लगाना है या RL लगाना है, डॉक्टर के गाइडेंस पे फार्मासिस्ट ही लगाएगा। उसके बाद क्या होता है, उसकी BST कंप्लीट होने के बाद उसको जब भर्ती किया जाता है, वार्ड में जब जाता है, तो वार्ड में जो नर्सिंग केयर है वो नर्सिंग ऑफिसर करता है। तो साथियों, ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि वीगो लगाना, IV सेट लगाना सभी कुछ सिखाया जाता है। साथियों, मैं खुद एक हॉस्पिटल का जो है ट्रेनिंग मतलब हॉस्पिटल ट्रेनिंग जो करने आते हैं विद्यार्थी, मैं उनका मास्टर हूँ, मैं सभी कुछ सिखाता हूँ यहाँ पे, इमरजेंसी ड्यूटीज़ लेके मेडिको लीगल MLC VIP ड्यूटी कैसे संपादित होती है, मेडिको लीगल ड्यूटी कैसे संपादित होती है, कोई इमरजेंसी में मरीज आया उसको कैसे हैंडल करते हैं, तो मैं खुद अपने विद्यार्थियों को सभी कुछ सिखाता हूँ। साथ ही साथ क्या होता है कि OPD होती है, वहाँ पे मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन, रखरखाव सभी कुछ जो है फार्मासिस्ट के अंडर में होता है। अगर कोई मेडिसिन देते हैं तो उसका यूज क्या है, उसके बाद इंजेक्शन रूम है, उसमें भी जो है साथियों इसी तरह से सभी कुछ हम बताते हैं। और नाइट ड्यूटी होती है, नाइट ड्यूटी में जो है कोई मरीज आता है, जैसे किसी को स्नेक बाइट है, उसको कैसे मैनेज करना है, किसी ने जहर खा लिया है, पॉइजन केस है, हैंगिंग केस है, उसको कैसे मैनेज करना है, सभी कुछ है, उसको वीगो लगाना, IV सेट लगाना, सभी कुछ जो है फार्मासिस्ट का काम है। साथियों, फार्मासिस्ट एक ऐसी विधा है जिसमें हर तरह के जो है पढ़ाई जाती है, जैसे कि फार्माकोग्नोसी है, सर्जिकल केमिस्ट्री है, फार्मा जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, हेल्थ एजुकेशन है, सभी कुछ पढ़ाया जाता है, और जो है जूरिसप्रूडेंस पढ़ाया जाता है। तो जो VIP ड्यूटी है, कभी आप इमेजिन करिए कि जैसे राज्यपाल जा रहा है, राष्ट्रपति जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जा रहा है, या फिर जो है कोई चीफ जस्टिस जा रहा है, उसके पीछे जो है उसकी गाड़ी के पीछे एक एम्बुलेंस होती है, जो एम्बुलेंस होती है उसमें VIP ड्यूटी में फार्मासिस्ट होता है और एक डॉक्टर होता है। तो इमेजिन करिए, फार्मासिस्ट को इसी के लिए रखा गया क्योंकि फार्मासिस्ट को हर चीज़ का ज्ञान है,
हर चीज का नॉलेज है। तो फार्मासिस्ट बहुत अच्छी विधा है, बशर्ते उसको आपका जैसे डी फार्मा जो भी विद्यार्थी करते हैं फर्स्ट ईयर में दो सेमेस्टर होते हैं, दो बार एग्जाम होता है सेकेंड ईयर में होता है, उसी तरह से एक सेमेस्टर है हॉस्पिटल का 3 मंथ की ट्रेनिंग। उस ट्रेनिंग को अगर आप प्रॉपर करते हैं और अच्छा सीखते हैं तो आप जो है बहुत अच्छा सर्वाइव करेंगे। गवर्नमेंट जॉब भी आपको मिल सकती है, आप क्लिनिक भी चला सकते हैं, हॉस्पिटल में भी जो है आपकी नौकरी लग सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन दवाई में मैन्युफैक्चरिंग में भी जा सकते हैं। और जो है क्या होता है कि लेटरल एंट्री करके जो लोग विद्यार्थी बी फार्मा कर लेते हैं, डी फार्मा के बाद वो एजुकेशन में लेक्चररशिप है जैसे डी फार्मा पढ़ाना है, उसी तरह से अपग्रेड होते रहते हैं, एम फार्मा कर लेते हैं, बी फार्मा को भी पढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन में भी जा सकते हैं। बहुत सी जो है हॉस्पिटल हैं, केंद्र के हॉस्पिटल हैं, ESI हॉस्पिटल है, और क्या होता है एरोनॉटिक्स हिंदोनाट टाटा के हॉस्पिटल हैं, और जो प्राइवेट हैं जैसे मेदांता है और CSC PSC हैं, और HL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक है, इफ्को है, बहुत सी कंपनी है। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे, आई होप क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। साथियों किसी तरह की क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन होता है, आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।